जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा वियर्ड होने जा रहा है, क्योंकि मैं इल्यूमिनाटी पे अपनी फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साहर, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं आपको जल्दी से अपने चैनल के बारे में बताती जाती हूँ कि मैं केस स्टडी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और वियर्ड फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि इल्यूमिनाटी के बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इल्यूमिनाटी के बारे में मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आई हैव नो आइडिया, और आई डोंट बिलीव ऑन दिस पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट बिलीव ऑन दिस स्टफ, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई फाउंड ऑन द इंटरनेट, और जो कि मुझे भी ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि इल्यूमिनाटी जैसी सोसाइटी जो है वो वाकई में एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर आप इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो मेरी वीडियो को आगे तक देखते रहिए। और अब चलते हैं इल्यूमिनाटी के हिस्ट्री की तरफ। इल्यूमिनाटी जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुड एनर्जीज होती है, बैड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज जो है वो इस यूनिवर्स में पाई जाती है। लेकिन इस सोसाइटी को जो है वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है शैतान से, या नेगेटिव एनर्जी से, जिसको हम शैतान कहते हैं, या किसी भी राक्षस कहते हैं, या किसी भी चीज़ का नाम जो है वो हम लोग उसके साथ जोड़ देते हैं नेगेटिव एनर्जी के साथ। तो उनको उसमें इतना इंटरेस्ट हो गया कि वो उसकी पूजा करने लग गए, और उन्होंने उसको ही जो है अपनी सक्सेसफुल होने का, या अपने आप को बेहतर उस तरह से करने का, उन्होंने शैतान की ही पूजा करनी स्टार्ट कर दी, या शैतान की इबादत करना स्टार्ट कर दी इस सीक्रेट सोसाइटी में। उसके बाद टाइम गुजरता जाता है, और आज की सेंचुरी में हम लोग जिस तरफ देखते हैं वहाँ पे इल्यूमिनाटी का साइंस जो है वो मौजूद होता है। मोस्टली इल्यूमिनाटी को 3 के साथ जो है वो जोड़ा जाता है, कि अगर आपको ट्रायंगल का कोई साइन नज़र आ रहा है या एक आंख बनी हुई नज़र आ रही है तो वो इल्यूमिनाटी। इस तरह से अगर हम लोग सेलिब्रिटीज़ की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, या बहुत जिन्होंने अपनी मेहनत से इनफैक्ट नाम जो है वो बनाया हुआ होता है, उनको जो है वो लोग एसोसिएट करने लगे इल्यूमिनाटी के साथ, कि इनके पीछे शैतान का हाथ है और ये शैतान की पूजा करते हैं और ये इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है। अब इल्यूमिनाटी इतनी फैसिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये लोगों को प्रॉमिस करती है, या जो चीज़ें इल्यूमिनाटी से रिलेटेड जो लोग हैं या ग्रुप अगर हैं, कोई अंडरग्राउंड सोसाइटी इस तरह की चल रही है, तो वो लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि आप जो है आपको शैतान की पूजा करो, इसके बाद आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक्टर हो, आप सिंगर हो, आप कोई आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपने अपना नाम कमाना है तो आप इल्यूमिनाटी के मेंबर बन जाओ और शैतान की पूजा करने लग जाओ, जो कि ये सब चीज़ें जो है मैंने पढ़ी हैं। अब इनका सबूत जो है वो कुछ इस तरह से मिलता है कि काफ़ी आर्टिस्ट या काफ़ी एक्टर्स या काफ़ी सिंगर्स जो है वो कुछ इस तरीके के साइंस पेश करते हैं कि जिससे उनको एसोसिएट कर दिया जाता है इल्यूमिनाटी के साथ। इसमें मोस्टली बॉलीवुड के एक्टर्स, हॉलीवुड के एक्टर्स, और इसके अलावा काफ़ी सिंगर्स को जो है इसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है। और फिर वो लोग इस तरह से भी एसोसिएट करते हैं कि वो लोग अपने गानों में या फिर अपनी इस तरह की बातों में वो इल्यूमिनाटी या इस तरह की शैतान की पूजा करने के वो जो है साइंस पेश करते हैं, या फिर उनके गानों को जब रिवर्स करके देखा जाए तो जो है वो शैतान का कोई साइन दे रहे होते हैं, या शैतान की पूजा करने की तरफ कायल कर रहे होते हैं लोगों। क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो नेचुरली सक्सेस की तरफ, या पैसे की तरफ, या इस तरह की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जो है कायल हो जाती है, और ह्यूमन नेचर नेचुरली तौर पर लालची पाया गया है इंसान को, तो वो जो है इन सब चीज़ों से फैसिनेट होते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है काफ़ी स्कैम वेबसाइट्स भी हैं इंटरनेट पे, जो कि आपको बोलती हैं कि आप इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लो, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर जो है काफ़ी लोग साइन अप कर लेते हैं इस तरह के अकाउंट्स में। अब आई डोंट नो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ठीक है ये अकाउंट्स जो हैं ये वाकई में आपको सक्सेसफुल बना देते हैं, फिर आप मेम्बर ऑफ इल्यूमिनाटी ग्रुप और इस तरह की वेबसाइट की, और कुछ लोग कहते हैं ये सब बिल्कुल बकवास है और ये सब कुछ। अब ये जो है
मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है अब तक, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें असल भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। वी ऑल नो अबाउट द डार्क वेब। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में डार्क वेब की से रिलेटेड भी वीडियोस बना लूँगी, तो कॉन्सिडर सब्सक्राइबिंग, आपको उसके बारे में ताकि पता चलता जाए। लूसीफर जो है उसको बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है इसके साथ। लूसीफर क्योंकि शैतानों का बादशाह पाया जाता है और उसको सबसे बड़ा शैतान माना जाता है, तो लूसीफर जो है इस टीम इस तरह के ग्रुप्स को लीड करता है। और लूसीफर की पिक्चर्स मोस्टली इंटरनेट पे, उसका बकरे का फेस होता है, और बाकी इंसानी जिस्म होता है उसका, तो इस तरह से। और बाकी सिक्स 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 के साइन को इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। इसके अलावा ट्रायंगल के साइन को इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। और भी काफ़ी इस तरह के कुछ गानों में इस तरह के साइंस दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे एलुमिनाटी का जो है जो है आपको वो गाने फैसिनेट करते हैं कि आप एलुमिनाटी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और बाकी मैंने काफ़ी आर्टिकल्स जो है वो पढ़े हैं इससे रिलेटेड, कि जिसमें काफ़ी सबूत भी पेश किए गए हैं कि ये एक्टर या ये सिंगर्स जो है वो एलुमिनाटी के मेम्बर्स हैं। अब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को या मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि अब आप अपनी अकल से सोचें कि आप जब भी किसी नेगेटिव रास्ते पे जाएंगे या जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी आपको थोड़े अरसे के लिए या थोड़े टाइम के लिए, तो वो चीज़ फैसिनेट करेगी और वाकई में आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा। लेकिन थोड़े अरसे बाद, क्योंकि इंसान है उसको सही गलत का नेचुरली पता होता है, उसका अपना ज़मीर मलामत करता है, इसलिए वो चीज़ बुराई का रास्ता हमेशा बुरा ही है। वो बेशक इस रास्ते में हो या किसी और रास्ते में हो, या आप कोई क्राइम कर लो या कोई भी चीज़ हो, तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हों। ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल बकवास हैं, और इस तरह के अगर ग्रुप्स वाकई में हैं भी तो आपको वो ज्वाइन नहीं करने चाहिए। अब आपसे मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगी कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, और आपकी स्टडीज में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है इसके बारे में, आप मुझे प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा भी आप वीडियो देखना चाहते हैं या कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।